हेलो सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आप लोगों का अभी जून टर्म के लिए जो एग्जामिनेशन है उसका शेड्यूल इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया जा चुका है। सीएमए फाउंडेशन का जो एग्जाम्स है जून टर्म में, ये आपका 16 जून 2024 को संडे के दिन आपका ये एग्जाम्स रहेगा। सेंटर बेस्ड एग्जाम्स है, ऑब्वियसली अब ऑनलाइन एग्जाम्स का ट्रेंड पूरा खत्म हो गया है, सेंटर बेस्ड एग्जाम्स है और इंस्टीट्यूट तो पूरा तरह से अब ट्रैक पे आ गया है, मतलब अपना टाइम से शेड्यूल से पूरा एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट कर रहा है। तो आपका जो एग्जाम्स रहेगा ये एक दिन में ही ऑल फोर सब्जेक्ट का एग्जाम रहेगा आपका। सेंटर बेस्ड एग्जाम्स है, 10 बजे से 12 बजे के बीच पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 का एग्जाम्स रहेगा, एक साथ ये रहेगा पेपर आपका, और फिर 2 से 4 आपका पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 का एग्जाम्स रहेगा। आपका ओएमआर सीट पे ये एग्जाम्स होगा, ऑफलाइन सेंटर बेस्ड एग्जाम्स होगा। सो पूरी तरह से आप तैयार हो जाओ। सर, हम लोगों का फॉर्म फिलअप का ओपन हो चुका है क्या? फॉर्म फिलअप आप लोगों का जो लास्ट डेट रहेगा, लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो ये रहेगा आपका अप्लाई करने का एप्लीकेशन फॉर्म का, 10th अप्रैल ये आपका रहेगा। 10th अप्रैल है या 16th अप्रैल है क्लियर नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली ये 10th अप्रैल ये अगर होगा, 10th अप्रैल अगर होगा तो ये आपका क्लियर भी नहीं यहाँ पे शो कर रहा है, दिख रहा है यहाँ पे डेट आपको मिलता है लास्ट में 10 दिन के लिए, वो फिर से वेरीफाई होता है, चेक होता है। तो आप 10 अप्रैल आप लेके चलो, 10th अप्रैल आपका एग्जाम्स का फॉर्म फिलअप का ये लास्ट डेट रहेगा, आपका एग्जाम्स रहेगा 16 को। एंड आपका फॉर्म फिलअप का जो अमाउंट लगेगा ये 1200 रुपीज़ होगा, 1200 आप अपना टाइम से फॉर्म फिलअप कर देंगे एग्जाम्स का। ऑफलाइन एग्जाम्स रहेगा, 50 क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट में आपका रहता है, 2 नंबर ईच करके, ये सब आपको क्लासेस में बताया ही जा चुका ऑलरेडी। और फिर आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा क्या सर? नहीं, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहेगा, पहले भी बताया जा चुका है ये नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा आपका। और एडमिट कार्ड में बाकी सारे आपके एग्जाम्स के इंस्ट्रक्शंस आते हैं एंड फिर आप अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशंस पे लग जाओ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स का डेट भी आ चुका है। अच्छा, अभी किसी बच्चे के दिमाग में चल रहा है कि सर मैं तो अभी तक इंस्टीट्यूट में इनरोल नहीं किया हूँ, लेकिन मैं भी फाउंडेशन का एग्जाम अभी देना चाहता हूँ, फाउंडेशन का एग्जाम्स के अभी भी पॉसिबल हो सकता है क्या, मैं दे सकता हूँ क्या जून में? इसका रजिस्ट्रेशन तो मैंने नहीं कराया है भाई, अभी भी रजिस्ट्रेशन करने का आपके पास टाइम अवेलेबल है, 31 जनवरी तक आप कभी भी इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करा सकते हो। तो आप रजिस्ट्रेशन पहले कर लो, फिर उसके बाद एग्जाम फॉर्म फिलअप के लिए आपको काफ़ी लंबा टाइम मिल रहा है, मार्च एंड और अप्रैल के फर्स्ट वीक पूरा आपको मिल रहा है, तब आप अपना फॉर्म फिलअप करो और फिर एग्जाम्स की तैयारी में लग जाओ। इसके लिए जो क्लासेस है, क्लासेस भी हमारे यहाँ पर आपका ऑफलाइन सेंटर पे भी क्लासेस हो रहा है, लाइव एट होम बैच का भी ऑप्शन अवेलेबल है जो कि ऑल ओवर इंडिया ये स्ट्रीम होता है क्लासेस। एंड एज वेल एज हमारा जो क्लासेस में सिस्टम है कि सर हम लोगों का अभी पीछे का कुछ क्लासेस, अगर आपका बैच तो पहले से चल रहा है, हाँ बैच को स्टार्ट हुए करीब करीब 1 महीना होने जा रहा है, और आपको अगर पीछे के क्लासेस का भी कवरेज चाहिए तो day 1 से पूरा आपको कवरेज क्लासेस का मिल जाएगा, सारा क्लासेस का वीडियो बैकअप आपको अवेलेबल रहेगा। जब भी आप बैच में एंट्री लेते हो एक न्यू चैप्टर से आप एंट्री ले सकते हो, और पीछे का जो कुछ है वो आप 15-20 दिन का टाइम लगा करके थोड़ा उसको अपना टाइम इन्वेस्ट करके और पीछे के क्लासेस को आप कवर कर सकते हो, बिल्कुल ये ऑप्शन अवेलेबल है। अभी भी आप जून में एग्जाम्स दे करके और सीएमए का स्टूडेंट बन के आप सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम्स आपका जून में क्लियर कर सकते हो, बिल्कुल आराम से क्लियर कर सकते हो। और रिजल्ट का तो पूछना नहीं है, अपने यहाँ पर तो बैच में अप्रोक्सीमेट 96% बच्चे अपने बैच में सारे क्लियर कर लिए हैं, कुछ 2-3 बच्चों का रह गया एग्जाम्स, दैट मीन्स ऐसा नहीं कि वो पास नहीं थे, ऑलरेडी 200 क्रॉस थे बट किसी सब्जेक्ट में उनका थोड़ा शॉर्टेज होने की वजह से एग्जाम्स नहीं हुआ, सो दैट इज द जस्ट अ माइनर थिंग्स, बट आपका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है, आप आराम से क्लास लेकर के और हमारे यहाँ पर भी आप क्लास अपना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बट जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया, स्टूडेंट बन गए हो, तो एग्जाम्स का डेट आ गया, पढ़ाई पे एकदम थोड़ा सीरियसनेस दिखाओ और पढ़ाई में लग जाओ अभी से, थैंक यू। इसके साथ साथ आप लोगों का मैं ये भी बता दूं कि जो इंटरमीडिएट का भी शेड्यूल आ गया उसके लिए मैं अलग आपको बताता हूँ, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स लोगों के लिए